आजकल के युग में जहां नौकरी पाना बहुत ही चैलेंजिंग काम हो गया है, वहीं कई लोग हमारे सामने ऐसे ऐसे जो कि स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल के बिजनेसेस खोल के आज अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। और आज की वीडियो में हम उन्हीं बिजनेसेस के बारे में जानने वाले हैं जो कि रूरल और अर्बन सेक्टर दोनों के लिए बेनिफिट साबित हुए हैं। लेकिन ये बात आप समझ लें कि हम आपको वही घिसे पिटे बिजनेस आइडियाज नहीं देंगे, जैसे कि रिसाइकलिंग से पेपर प्लेट, डिस्पोजेबल आइटम्स, पॉलिथिन या जूता चप्पल बनाने का काम। मैं ऐसे बिजनेस आइडियाज को पूरी तरीके से खारिज करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ऐसे नए बिजनेस आइडियाज दूंगा जिनके बारे में जानकर, जिनको अप्लाई करके आप भी एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में इजाफा कर सकते हैं और एक सेल्फ मेड एम्प्लॉयमेंट के मेंबर बन सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। नंबर एक, जन पोर्टल। आपने ग्राम पंचायत और नगर पंचायत लेवल पर देखा होगा कि कई सारे पंचायती लेवल के काम होते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर सड़क बन रही है तो उसके लिए ईटा पत्थर लाना होगा, और अगर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो उसके लिए सारे सामान जैसे कि मोरंग, बालू, सीमेंट और मिट्टी लाना होगा। तो ये सब काम गवर्नमेंट के जो नगर पालिका वाले होते हैं खुद ही अरेंज नहीं करते हैं, उसे एक जन पोर्टल के संपर्क के थ्रू जो मेंबर होते हैं या फिर फर्म जो होती है उनको वो सारा काम ठेके पर देते हैं। ये एक तरीके का बिचौलिए का काम है और इसका कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता है, बस रजिस्टर करके एक बिचौलिए का काम कर सकते हैं और जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। नंबर दो, शामन मेकिंग। आपने आजकल देखा होगा कि हमारी मार्केट में जो फास्ट फूड का प्रचलन है वो कुछ ज्यादा ही स्केल पे बढ़ रहा है। चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, हर एक चौराहे पर आपको किसी भी फास्ट फूड स्टॉल या ठेले पर आपको टिक्की बताशा और चाउमीन जरूर आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आप में से ऐसे कम ही लोग होंगे जो कि ये जो चाउमीन है इसकी भारी डिमांड समझेंगे और इसी डिमांड को वो अपने बिजनेस मॉडल में इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। और मेरे बिजनेस इन्वेस्टमेंट से ये बिल्कुल भी अंदाजा मत लगा लेना कि मैं आपको यहाँ पर कोई लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट बताने वाला हूँ। मैं आपको एक ऐसी लोअर बिजनेस इन्वेस्टमेंट बताऊंगा जो कि बहुत ही कम पैसों में स्टार्ट हो जाएगी और काफी प्रॉफिटेबल भी साबित होगी। आपको बस करना क्या है, एक आपको चावन वाली मशीन लेनी है और चावन वाली मशीन और आपको रॉ मटेरियल में मैदा लगेगा, और बेसिक रॉ मटेरियल बस मैदा है और कुछ नहीं है, और वही मैदा आपको मार लेना है और उसे फिर चावन वाली मशीन में एक रोलर तरीके से डाल देना है, और फिर वही मशीन से चावन पे चावन निकलना चालू हो जाएगा। और फिर इसी चावन को अच्छे से पैक करके या फिर इसकी ब्रांडिंग करके आप अपने नियरेस्ट वेंडर्स को देना चालू कर दीजिए, जो कि आसानी से आपकी सप्लाई होगी वो फुलफिल हो जाएगी और ये 12 महीने बराबर इसकी डिमांड रहती है। तो आपका जो बिजनेस मॉडल है ना, ये पूरे साल तक चलने वाला है। नंबर तीन, ट्रेड्समैन या बटाईदार। ये गांव का पुराना बिजनेस मॉडल भी है और एक सफल बिजनेस मॉडल भी इसमें ही होता है, क्योंकि ज्यादातर जो गांव से जुड़े होंगे उन्हें पता भी होगा बटाईदार या ट्रेडमैन उन लोगों को बोला जाता है जो कि गांव के बनिए सेठ और मेवा टाइप के लोग होते हैं। ऐसे आम भाषा में यही बोला जाता है। ये करते क्या है, तो ये गांव के सीजनल फसल होती है ना, जैसे कि गेहूं, बाजरा, चावल, इन सब फसलों को वो छोटे छोटे किसानों से ले जाते हैं और उन्हें पैसे दे देते हैं। फिर यही छोटे किसानों से ली गई फसल, यानी कि इसकी एक दो बोरी जो फुटकर में थी उन्हें अब 10 से 15 बोरी में कलेक्ट करके गवर्नमेंट गल्ला मंडी या गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेंडर्स होते हैं उनके हाथ में बेच देते हैं और उससे वो अच्छा खासा कमीशन बना लेते हैं। नंबर चार, 99 स्टोर। 99 स्टोर सिर्फ गाँव में ही नहीं फेमस है, यह आजकल मेट्रोपोलिटन सिटीज से लेकर आम शहरों में भी चल रहा है। इसे अगर विस्तार से समझे तो ये एक तरीके की शॉप होती है जिसमें कि 99 का हर एक माल होता है, यानी कि जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिर्फ 99 के ही होते हैं। इससे होता क्या है, ये एक डिमांडेबल चीज बन जाती है हाउसहोल्ड परिवार में, क्योंकि एक तो लागत कम है और हर वैरायटी का सामान उपलब्ध है। इससे ना बिजनेस वाले को तकलीफ होगा ना ही खरीदने वाले को तकलीफ होगा। ऐसे आम भाषा में बिना मोल भाव का बिजनेस भी बोला जाता है। नंबर पाँच, मिठाई के डिब्बों का बिजनेस। इस बिजनेस मॉडल में आपको मिठाई के डिब्बों का जो कस्टमाइज्ड ब्रांडिंग और लेबलिंग होती है ना, उससे आपको बनाना है। इससे आपको शुरुआत इस तरीके से करनी है कि आपको अपने मार्केट में जो भी मिठाई के जो वेंडर्स होंगे उनसे ऑर्डर प्लेस करवाना है, यानी कि आपको अपनी डिमांड सर्विस बताकर उनसे ऑर्डर लेना है और उसके बाद इसे आपको बनाना है। और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आजकल मार्केट में ऑनलाइन कई प्रकार के कस्टमाइज वाले वेंडर्स होते हैं, वो आपको ऑर्डर लेते हैं और आपको मिठाई के डिब्बे डिलीवर कर देते हैं, यानी कि यहाँ भी आप एक मिडलमैन का काम कर सकते हैं जिससे कि आपका मुनाफा ही होना है। नंबर छह, खुली चाय का बिजनेस। गांव में चाय का सेवन और खपत कई ज्यादा मात्रा में होता है, तो उसकी आप डिमांड समझिए और इस मॉडल को अपना के आप एक सफल बिजनेस खोल सकते हैं। इसमें आप चाय की पत्ती को ऑर्डर करें और उसे प्लेस कर दें अपने बिजनेस में। नंबर सेवन, गिफ्ट मेकिंग बिजनेस। इस बिजनेस मॉडल में मैं आपको कोई गिफ्ट की दुकान खोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस आपको कुछ मशीन लेनी है जो कि कप्स और टी शर्ट्स पर कस्टमाइज है, उन पर तस्वीरें छाप देनी है। और यकीन मानिए, ये आजकल बहुत ही ज्यादा चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी जब लोगो डिजाइन करवाती है तो इसी तरीके से ऑर्डर प्लेस करवाती है। नंबर आठ, कैटल फील्ड बिजनेस।
गांव में जानवर तो बहुत है लेकिन उनके लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था नहीं है। इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं और वो अपना बाजार खोलकर। चारे मेकिंग की मशीन आजकल ऑनलाइन उपलब्ध है। रॉ मटेरियल गांव में जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आप इजीली प्रोडक्शन कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 9, फ्लावर प्रोडक्शन बिजनेस। गांव में जो आपकी खेत है उसमें आप गेहूं और गन्ने की फसल बोते हैं और इससे किसान कभी अच्छा कमा लेते हैं और कुछ लागत भी खो देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ट्रेडिशनल फसलों के अलावा कुछ कमर्शियल क्रॉप्स बोते हैं, जैसे कि केले की खेती। फूलों की खेती से आप लागत से कई गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, बस कुछ चेंजेस ऑफ टेक्निक से और वहीं कुछ डेडिकेशन और मेहनत से। नंबर 10, पीएम विश्वकर्मा योजना। भारत सरकार ने एक बहुत ही शानदार योजना लॉन्च करी है, पीएम विश्वकर्मा योजना। ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई ना कोई स्किल है, जैसे कि मूर्ति बनाना, कपड़े सिलना या फिर किसी तरह का पारंपरिक हुनर। अब बात यह है कि अगर आपके पास ये स्किल्स हैं और आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसे बढ़ाना भी चाहते हैं, तो इस योजना के तहत आप सरकार से कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। यही नहीं, सरकार आपको फ्री में स्किल ट्रेनिंग भी देगी और ट्रेनिंग के दौरान आपको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपने स्किल को और भी बेहतर कर सके। ट्रेनिंग के बाद अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो सरकार इस योजना के माध्यम से आपको कम ब्याज पर लोन भी देगी। तो अगर आपके पास कोई हुनर है तो इस योजना का लाभ उठाइए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। नंबर 11, प्लास्टिक मेकिंग। आजकल आप प्लास्टिक की डिमांड समझ ही रहे होंगे, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर कोई अपने डोमेस्टिक हाउसहोल्ड में प्लास्टिक का तो यूज करता ही है। तो इसको आप डिमांड के तरीके से समझे और अपने बिजनेस मॉडल में इसको यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक बिजनेस में एक और फायदा है कि इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, वो कभी एक्सपायर नहीं होंगे। यानी कि आप एक बार बना ले, आप इसको अगर वेंडर्स को देते हैं या अपने शॉप में भी रखते हैं, तो ये एक्सपायर नहीं होंगे और ये हमेशा बिकने वाले ही प्रोडक्ट हैं। नंबर 12, नमकीन मेकिंग बिजनेस। नमकीन की तो आप डिमांड समझते ही हैं। अपने भारत में चाय के साथ में नमकीन का जो सेवन है ना, वो बहुत ही आम है और अब तो ये कल्चर बन चुका है। गांव हो या शहर, लोग इसे हर जगह अपना रहे हैं। कई तरीके के ऐसे बिजनेस खोले जा रहे हैं जिनकी पकड़ नेशनल लेवल के कंज्यूमर्स तक हो गई है। नंबर 13, पान गुटका बिजनेस। यहाँ पर मैं इस बिजनेस में आपको पान गुटका बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपको बस एक प्राइम लोकेशन पर कोई भी छोटी सी दुकान डाल लेनी है और आपको पान और गुटके का रिटेल बिजनेस करना है। लोग इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा रहे हैं, बस डिपेंड करता है कि आपकी दुकान किस प्राइम लोकेशन पर है और कौन से आपके कंज्यूमर्स है। नंबर 14, आर्टिफिशियल फ्लावर मेकिंग बिजनेस। इस बिजनेस में आपको होलसेल आर्टिफिशियल फ्लावर ले लेने हैं और उन्हीं फ्लावर से आपको फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने हैं और बस सप्लायर के हाथ में बेच देना है। नंबर 15, मिडलमैन। इसे आम भाषा में बिचौलिया भी बोलते हैं, जो कि गांव की प्रॉपर्टी को डील करते हैं एज अ मिडलमैन, जो कि बायर और सेलर को तलाश करके उनके ट्रांजैक्शन को फुलफिल करवाते हैं और जो कमीशन कमाते हैं वो अपने पास ही रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे 15 बिजनेस आइडियाज। इनमें से कोई एक भी अपना के आप अपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें कि कई लाखों करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। बस एक प्लानिंग होनी चाहिए जिससे कि आपको अप्लाई करके एक सफल एंटरप्राइज बनाना है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।